गांधी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। आप सब सोचते होंगे कि अचानक यह गठबंधन टूट गया, लेकिन यह गठबंधन अचानक नहीं टूटा है। आज नीतीश कुमार कहते हैं कि हमको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, वो अब क्यों नहीं बताते हैं कि किस बात पर प्रताड़ित किया जा रहा था। आज से 8 महीना पहले जब मैंने इस बात को उठाया कि मेरे नौतन में 14 गरीब मर गए हैं और मैं उनको देखने गया और उनके परिवार को थोड़ी सी मदद कर दिया, तो सबसे पहले हमारे बीच में झगड़े होने की शुरुआत वहीं से हो गई थी। उनको कहना था कि दारू पी के जो मरता है मरने दो, आप क्यों जाते हो उसमें? अगर मेरे क्षेत्र में कोई गरीब किसी भी कारण से मर जाएगा तो क्या मैं उसके यहाँ नहीं जाऊंगा? अगर कोई बोलता था उनसे कि बिहार में धड़ल्ले से शराब बिक रही है तो उनको लगता था उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर कोई यह बोलता था कि यह जितने भी शराब माफिया है कहीं ना कहीं सब वही है जो 2005 से पहले हत्या और अपहरण का उद्योग चलाते थे, और आज के समय में ये लोग बालू माफिया और शराब माफिया बन के रह रहे हैं, तो यह उनको प्रताड़ित लगता था। जब बिहार में विभिन्न शहरों में लूट की घटनाएं होती थी, स्वर्णकार की दुकानें लूटी जाती थी और हम लोग कहते थे कि कानून व्यवस्था ठीक कीजिए, एनडीए शासन का सबसे बड़ा जो हमारा पहचान है वह है कि शासन व्यवस्था ठीक होने का, तो यह उनको प्रताड़ित लगता था। उनको यह भी प्रताड़ित लगता था जब हम बोलते थे कि आज के समय में बिहार में स्लीपर सेल बन रहे हैं, कहीं भी हिंदुस्तान में अगर आतंकवाद की घटना घटती है तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन बिहार में निकलता है, तो यह उनको प्रताड़ित लगता था। सही स्थिति यह है कि वह कभी चाहते ही नहीं थे कि बिहार में कानून व्यवस्था ठीक रहे, वह कभी अब चाहते ही नहीं थे कि शराब के नाम पे जो गैर कानूनी ढंग से दोहन हो रहा है और उस दोहन का नतीजा है कि जनता दल यूनाइटेड को हिंदुस्तान में क्षेत्रीय दल के रूप में सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं, यह काम उनको रुका जाए। वह चाहते नहीं थे कि बिहार में उनके ऊपर कोई प्रशासन के बारे में, कोई कानून व्यवस्था के बारे में कोई प्रश्न करे। भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान की पहचान जो है वह एक अच्छे शासन के रूप में है, और हमसे लोग बोलते थे कि आप क्यों बोलते हैं? उनके अगल बगल के जितने चंगू मंगू थे, मैं बोलता था कि मैं इनसे नहीं कहूंगा तो क्या योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि आप आके यहाँ पे शासन व्यवस्था दुरुस्त कीजिए? यही सब झगड़े की शुरुआत हुई थी, और उससे झगड़े की परिणति होना शुरू हुई जब हमने मुंगेर में उठाया कि 3 मंजिला मकान ढह गया है, यह पूरा का पूरा आतंकवादी घटना है, तो उनको कहते हैं कि पटाखा का विस्फोट हुआ। अभी कुछ दिन पहले छपरा में जब हुए 3 मंजिला मकान फिर धसा है, हम बोलते हैं कि आतंकवाद की घटना है, तो नहीं, छोटा पटाखा फूटा है, और पटाखा ऐसा और घर ऐसा कि घर के भीतर तहखाना है। मैं बेतिया में जन्म से रहा हूँ, आज तक मैं कितने हजारों के घर में गया होगा, किसी के घर के भीतर तहखाना मैंने नहीं देखा, और यहाँ पटाखा वाला घर के भीतर तहखाना बनाता है। यह एक पूरे बिहार में साजिश रची जा रही थी, पूरे बिहार को एक तरह से वही काम किया जा रहा है जो किसी जमाने में बांग्लादेश और पंजाब के सिंध में हुआ था। इन सबसे हम लोग को सावधान रहने की जरूरत है। 1940 में अगर कोई लाहौर में खड़ा होकर बोलता कि तुम सबको यहाँ से भागना पड़ेगा या मरना पड़ेगा, तो लोग कहता कि कौन एक पागल आदमी आके पागल जैसा लाहौर के चौक पे, कराची के चौक पे क्या बोल रहा। आज वहां से जब 1947 का बंटवारा हुआ तो लाखों लाशें यहाँ पे आई। यह जो गंगाराम अस्पताल दिल्ली में भेज रहे हैं, देखते हैं आप लोग, यह दया के आधार पे बना था। गंगाराम जी लाहौर के सबसे अमीर आदमी थे, जब अंग्रेजों ने कहा कि एक अस्पताल बना दीजिए तो उन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल बनाया, और वही लाहौर के गंगाराम को अकेले अपने पत्नी और बेटी के साथ चोरी छिपे भागना पड़ा, और उनकी एक कौड़ी की संपत्ति कहीं भी पाकिस्तान में नहीं बची। तो यह एक पूरी साजिश रच रही है। इसका अंतिम पटाक्षेप होता है जब 11 जुलाई को प्रधानमंत्री जी के आगमन से पहले एक पूरा साजिश का पता लगता है कि 2047 में पुनः
इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात हो रही है और उसके सारे दस्तावेज मिलते हैं। और जब यह पीएफआई का यह जो लिंक था, यह जब एनआईए को सौंप दिया जाता है, जब केंद्र सरकार को सौंप दिया जाता है, तो इस सरकार में जो जुड़े हुए अफसर हैं, जो कहीं ना कहीं उन सब का लिंक इन सब के साथ है, उन अफसरों को लगा कि अगर अब हम भाजपा से अलग नहीं होंगे तो राजद भी खतरे में पड़ेगा और हम सब भी खतरे में पड़ जाएंगे। और उन्हीं लोगों ने तब तेजस्वी यादव को समझाना शुरू किया कि आप लालू यादव जी के साथ, आप नीतीश कुमार जी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, आप उप मुख्यमंत्री पर ही कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। और नीतीश कुमार को समझाना शुरू किया कि हम लोगों ने तेजस्वी यादव को मना लिया है, आप दोनों मिल जाइए, जिससे कि बिहार में जितने भी स्लीपर सेल हैं उनसे आतंकवाद की घटनाएं घट सके। अभी 10 दिन पहले की बात है, कुछ कार्यकर्ताओं ने किशनगंज में बैठ करके एक ट्रक को रोकने का काम किया। जब उसका खोला गया डब्बा कंटेनर का, तो 82 पशु निकले, 6 मरे हुए पशु निकले। होता क्या है कि जिन लोगों ने उसको रोकने का काम किया था, उन सब पर 307 तक का धारा लगा दिया जाता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि जो बांग्लादेश में पशु जा रहा है उसको तुमने रोकने का काम किया। और यहाँ से सबसे बड़ा बवाल शुरू हुआ और उसकी परिणति यही हुई कि यह चुपके चुपके मिल करके कि हम सब, इन्होंने एक पूरा प्लान बनाया हुआ है कि हम राष्ट्रीय जनता दल को खत्म कर देंगे। वो जानते हैं राष्ट्रीय जनता दल का मतलब लालू परिवार है। और 2007 में जितने भी रेलवे के बोर्ड के घोटाले हुए थे, उनको देने का काम किसने किया था? मनमोहन सिंह को। वह देने का काम करने वाले यही ललन सिंह थे, यही नीतीश कुमार थे। और हमसे भी बार बार पूछा जाता था, वह तो नहीं पूछेंगे, बगल के लोग पूछेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, तेजस्वी यादव का भी तो ऐसे ही खुला हुआ केस है, आप क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करते हैं? हम लोग कहते थे कि भाई हिंदुस्तान है, इंदिरा गांधी जी के घर के भीतर इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है और तब 11 साल लग जाता है फांसी देने में, या इसमें समय जब कानून अपना काम करेगा इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तब इन लोग को बहुत दुख लगता था। लेकिन जब भोला यादव और हृदयानंद पकड़ में आ जाता है, जब इनको यह लगता है कि अब तो यह परिवार जेल चला जाएगा, तो यह सोचते हैं कि 90 में जिस तरह से हम पूरे जनता दल हमारे पास था, आज फिर से हमको पूरा जनता दल लेने का मौका मिला है, या परिवार जेल में चला जाएगा तो पूरा राजद हमारे साथ हो जाएगा। और दूसरे तरफ तेजस्वी को समझाया गया कि आपके जितना भी दान की जमीन है, इसका सारा कागज तो नीतीश कुमार ने दिया, ललन सिंह ने दिया, तो जिसने सारा घोटाला का कागज दिया है उसी के पास कार्ड का भी कागज होगा, आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। और इसी कारण से इन दोनों का गठबंधन हुआ है। यह गठबंधन पूरे बिहार के जनमानस का अपमान है। और इसी जगह पर 2016 का याद कीजिए, यहीं पर जब बेतिया मेडिकल कॉलेज का 50 करोड़ रुपया मधेपुरा को भेज दिया गया था, तो हम लोगों ने यहीं पर धरना दिया था। और इसी जगह से धरना दे करके उस समय के सरकार को हमने बिगुल बजाया था कि तुम चंपारण के साथ अन्याय नहीं कर सकते हो। एक साल में सरकार गिर गई और बेतिया का भव्य मेडिकल कॉलेज बन गया। आज फिर वही एक साजिश हम देख रहे हैं। पहली बार है कि हम लोगों ने खोज करके मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए रतवल में जमीन की व्यवस्था की। 1700 एकड़ का यह जमीन 1,00,000 लोगों को नौकरी देने का काम करेगा। और आज मैं इसी धरना स्थल पर माननीय नीतीश कुमार को और तेजस्वी जी को चेतावनी देता हूं कि यह मेगा टेक्सटाइल पार्क, जिसकी सारे कार्य हमने कर चुके हैं, हम लोगों ने शाहनवाज जी से मिलकर के पूरा टेक्सटाइल पॉलिसी बनाया, दिल्ली ने कहा कि नहीं आपको पैसा भी कम करना पड़ेगा बिजली में, हमने 2 रुपया बिजली का पैसा कम करवाया कि 1,00,000 लोगों को पश्चिम चंपारण में नौकरी मिलेगी, इसके लिए जो जो कहिएगा हम लोग सब करेंगे। और सारा काम करके जब बिल्ड करने का काम किया हम लोगों ने, पूरे बिहार में हर जगह पे उद्योग धंधे लगे, इसके लिए हम लोगों ने शाहनवाज हुसैन के साथ जीवेश कुमार को और धीरज सिंह बबलू को मिल करके एक पूरा टीम बनाया कि आप लोगों को 24 घंटा में हम लाइसेंस देंगे, बिहार में उद्योग लगाइए, हर जगह हम लोग उद्योग लगाएंगे। हम लोगों ने हर जगह उद्योग का धंधे का रेट का दाम कम किया, जमीन का
कि जिससे कि नए उद्योग धंधे मिल सके, यहाँ पे बच्चों को रोजगार मिल सके। पश्चिम चंपारण में हमने मेगा टेक्सटाइल पार्क देने का काम किया, और जब आज अगर मैं चेतावनी देता हूँ कि अगर इस पर बाधक बने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, तो इसके साथ ही इन लोगों की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बिहार की जनता, पूरा आंदोलन चंपारण से चलता है, या चंपारण का सपना है कि रतवन में मेगा टेक्सटाइल पार्क बने, 1 लाख लोगों के रोजगार की यहाँ व्यवस्था हो। अगर इसमें किसी तरह का धोखाधड़ी का काम किया, तो जिस तरह से आजादी की लड़ाई गांधी जी ने चंपारण से शुरू करके अंग्रेजों का विनाश किया था, हम भी चंपारण से लड़ाई शुरू करके आपको विनाश करेंगे। बुद्धि तो आपकी बिखरी चुकी है। आप हम बोलते थे प्रधानमंत्री फसल योजना लागू करो, आपको कष्ट हो जाता था। आज नरेंद्र मोदी जी के पीछे पूरी जनता है। हम लोग लोकसभा में तो 40 सीट जीतेंगे ही, अगली बार विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का 2/3 बहुमत होगा, और हम सब मिलकर के अपनी सरकार बनाएंगे, और बिहार जो कहीं ना कहीं उद्योग के मामले में पीछे हो गया है, रोजगार के मामले में पीछे हो गया है, आईटी हब के मामले में पीछे हो गया है, यह सब सपनों को हम साकार करेंगे, और बिहार को भी एक औद्योगिक राज्य बनाएंगे, और यहाँ के बच्चों को हैदराबाद और पुणे के बदले यहाँ पर रोजगार मिले, इसका प्रबंध करेंगे। यही सब नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा अखरता था कि क्यों हम लोग आईटी हब बना रहे हैं, क्यों हम लोग औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं, क्यों हम लोग इंडस्ट्री खोल रहे हैं, कैसे इनके राज्य में 4 ठो इथेनॉल का प्लांट खुलता है और मक्का का रेट 1400 से 2100 हो जाता है। यही सब चीजें सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को प्रताड़ित करती थी। आज मैं यही से चेतावनी देता हूँ नीतीश कुमार को कि जो हम लोगों ने उद्योग के दिशा में कदम बढ़ाया है, उसको अगर तुमने रोड़ा का अटकाने का काम किया, तो 2024 में तो नेस्ता नाबूद हो गई, 25 में तुमको 1 सीट पूरे बिहार में नहीं मिलेगी। इन सब शब्दों के साथ एक बार जोरदार नारा लगाइए।